देखिए, इसके पीछे कारण क्या थे। अगर नीति आयोग में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री नहीं गए और जो गए भी थे, ममता बनर्जी जी गई और वो किस तरह से वहाँ से बाहर आ गई, केवल उनको 6-7 मिनट का समय मिला, या बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बात करते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, एक सपना दिखाते हैं देश को, वो अच्छी बात है, हर आदमी चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, विकसित हो, लेकिन उसका मॉडल ये नहीं हो सकता कि आप केवल अपनी पार्टी के सरकारों के मुख्यमंत्रियों को या अपने चेहतों को उसमें आप उस भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत जब हम विकसित होने की बात करते हैं तो उसमें सबको साथ चलने की बात होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए। अब ये भेदभाव के साथ भारत विकसित नहीं हो सकता, ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। आप सपना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड पे जो है उस तरह का माहौल होना चाहिए। आपको सभी को साथ लेके चलना था, हर राज्यों के मुख्यमंत्री की, वो किसी भी दल का हो सकता है, उनकी क्या परिस्थितियाँ, क्या वो 7 मिनट के अंदर अपनी सारी बात नीति आयोग की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखना, इज इट पॉसिबल? 7 मिनट में कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य की बात रख सकता है? ये व्यवहारिक नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे हैं कि आपने बजट पेश कर दिया, देश का बजट आ गया, और उसके बाद आप नीति आयोग में लोगों को बुला रहे हैं। उस बजट में आपने जो भेदभाव किया, उस बजट पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपने अपने मित्रों के लिए, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए दरवाजे खोले। हमें किसी का विरोध नहीं है, किसी भी राज्य का कोई विरोध नहीं, लेकिन हमने अपने राज्यों के हकों की बात रखने का पूरा अधिकार किसी भी मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि बजट में उनके राज्यों के लिए किस प्रकार का बजट है और किस प्रकार हमारे प्रदेश की जो समस्या थी। अब मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो आप समझते हैं जो आपदा के दौरान हमारा जो नुकसान हुआ था तकरीबन 10,000 करोड़ का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमको स्पेशल एक पैकेज राहत मिलने चाहिए थी, हमको मीन्स हमारे प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए थी। हमारे पास आपदा थी, उससे बाहर आने के लिए जब एक फेडरल स्ट्रक्चर में सारा टैक्स जो है भारत सरकार को जाता है, चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, सारी कलेक्शन भारत सरकार करती है, तो ये हमारा अधिकार बनता है फेडरल सिस्टम में कि उसमें हमारा हक मिलना चाहिए। आप कोई एहसान थोड़ी करते हो राज्यों के हक देके, किसी भी राज्य का वो हक है। और जब बजट बनाते हो देश के लिए, सपने दिखाते हो विकसित भारत के, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बिना भेदभाव के सभी चीफ मिनिस्टरों को, सभी राज्यों को एक नज़र से, एक समान और एक दृष्टि से देखना चाहिए, तब जाके ये सपना पूरा हो सकता है। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, मैं समझता हूँ उनको इस बात को समझने में अभी समय लगेगा कि हम किस बात की बात कर रहे हैं। केवल विरोध करने से विपक्ष का काम नहीं हो जाता है। आप ये बताएं मीडिया के जरिए, हम भी जानना चाहते हैं कि आपने इस बजट से पहले कौन से प्रयास किए हिमाचल प्रदेश के लिए राहत दिलाने के लिए, या बजट में आप किन किन से मिले? क्या आप प्रधानमंत्री जी से मिले, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से मिले? आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी भी पूरी जिम्मेवारी है, आपकी भी पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए प्रदेश के लोगों के प्रति। आप बताएं कि किन किन से आपने मुलाकात की और कौन सी मांगे प्रदेश हित में, जनता के हित में, आपकी सरकार है भारत सरकार, आपको बताना चाहिए प्रदेश की जनता को कि मैं दिल्ली गया था, मैंने प्रधानमंत्री जी से ये बातें की और ये चीज़ हिमाचल प्रदेश के लिए बजट में मांग की। ये बड़े मुद्दे हैं। केवल आप एक बात की नीति आयोग की मीटिंग में जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हर आदमी इस बात को समझता है, जो प्रदेश को चला रहे हैं मुख्यमंत्री, इस बात को समझते हैं। उनके ऊपर भी दबाव है अपने योजनाओं को आगे बढ़ाने का, प्रदेश की लोगों की समस्याओं का दबाव है। अगर उसको भारत सरकार नहीं सुनेगी, अनदेखा करेगी, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में और क्या तरीका है, आप बहिष्कार कर सकते हो। यही एक सबसे बड़ा तरीका है कि शायद बहिष्कार करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री और उनकी टीम इस बात को समझें कि देश के आधी जनता, आधे राज्यों में लोगों को अभी भी कुछ समस्याएं जिनको हमारे को गंभीरता से सुनना पड़ेगा।